हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं डी मॉर्गनस थ्योरम चैप्टर, और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। सबसे पहले तो हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, ठीक है। तो हमारे पास रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए, यही फॉर्मूला होता है। माइनस बी दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ टू, बिकॉज यहाँ पे माइनस टू है तो ये माइनस बी हमें चाहिए, तो हमारे पास टू ही आ जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट मीन्स फोर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन एंड सी की वैल्यू फोर डिवाइडेड बाय टू ए, ए की वैल्यू वन, ओके दैट इज इक्वल टू टू प्लस माइनस। अब मैं दोनों में से फोर कॉमन निकाल सकती हूँ, और स्क्वायर रूट ऑफ फोर कॉमन निकलेगा तो वो रह जाएगा टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू। तो यहाँ से आपने टू कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास बचेगा वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो ये टू और टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन प्लस माइनस। अब ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है, माइनस को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन ही होती है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो यहाँ पे अगर आपका आयोटा स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट के बाद वो आयोटा ही रह जाएगा, और साथ में आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई वन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एंड बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, वन माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब हमें निकालना है अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को ले लेते हैं, लेट अल्फ़ा की जो वैल्यू है वन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। नाउ बाय कंपेयरिंग आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वन एंड आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ थ्री, तो इसको हम दे देते हैं नंबर वन एंड नंबर टू, तो बाय स्केयरिंग एंड एडिंग, बाय स्केयरिंग एंड एडिंग हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर, तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा दैट इज इक्वल टू वन प्लस थ्री, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन ही होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई फोर, और देन आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी टू, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है टू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो डिवाइड सेकेंड बाय टू वन, डिवाइड टू बाय वन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाय वन, तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के इक्वल हो गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, सिक्सटी डिग्री, ठीक है। आर की वैल्यू भी मिल गई, थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें चाहिए अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन, ये देखिए, तो हमें ये अल्फ़ा रेस्ट पावर एन प्लस बीटा रेस्ट पावर एन की वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है, तो करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अल्फ़ा रेस्ट पावर एन बीटा रेस्ट पावर एन, अल्फ़ा को हमने क्या लिया था, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेस्ट पावर एन प्लस, ये किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेस्ट पावर, क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा आर रेज टू पावर एन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे आपकी डी मॉर्गनस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, और डी मॉर्गनस थ्योरम होती क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा साइन एन थीटा प्लस आर एस टू पावर एन, जो है वो हम इसका कॉमन ही रख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉज ऑफ
एन थीटा माइनस अयोटा साइन एन थीटा, आयोटा साइन एन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आर एस टू पावर एन टू कॉज ऑफ एन थीटा। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी टू, आर की वैल्यू यहाँ पे टू आई थी और थीटा की वैल्यू क्या आई थी 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू थी टू, टू रेस टू पावर एन इंटू टू कॉज ऑफ एन, थीटा की वैल्यू क्या थी 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई थ्री। तो आपके पास हो जाएगा टू रेस टू पावर एन प्लस वन, देखिए टू रेस टू पावर एन यहाँ पे है, वन पावर यहाँ पे है, पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो कॉज ऑफ एन पाई बाय थ्री। तो ये आपके किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉज ऑफ एन पाई बाय थ्री यहाँ पे साथ में है टू रेस टू पावर एन प्लस वन। अब नेक्स्ट आपको निकालना है अल्फा रेस टू पावर सिक्स प्लस बीटा रेस टू पावर सिक्स। अगर तो आपसे ये दोनों पार्ट पूछ लिए जाते हैं, अगर दोनों पार्ट पूछे जाते हैं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो है एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एन जो है वो आपका सिक्स हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इसमें एन की पावर सिक्स रख दोगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। और अगर आपसे ये वाला पार्ट नहीं पूछा गया है, सिंपली आपको ये इक्वेशन दी गई है और अल्फा बीटा इसके रूट्स बताए गए हैं, और उसके बाद अल्फा रेस्ट पावर सिक्स प्लस बीटा रेस्ट पावर सिक्स इज इक्वल टू 128 ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे, फिर आप प्रॉपर पूरे वे से ही करोगे आर कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा के साथ इसको कंपेयर करके प्रॉपरली, जैसे हमने ये वाला किया है वैसे ही करेंगे। अगर दोनों पार्ट्स गिवन है तो आप ये वाला पार्ट प्रूफ करके एन इज इक्वल टू सिक्स करके इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्फा रेस टू पावर सिक्स प्लस बीटा रेस टू पावर सिक्स करने के लिए पुट एन इज इक्वल टू सिक्स, तो एन टू रेस टू पावर सिक्स प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ सिक्स पाई बाय थ्री, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ टू पाई, और कॉज ऑफ टू पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और टू रेस टू पावर सेवन किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 128 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम रोज़ लेके आते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।